बिना मंगाया आ गया, आपका काम क्या है इसके वापस, क्यों आया था इसके वापस, क्या लेना देना आपका इसके वापस। कुमाऊं कमिश्नर और आईएएस दीपक रावत की गिनती देश के तेज तर्रार अफसरों में की जाती है। अपने अनोखे अंदाज और औचक निरीक्षण के लिए वो काफी फेमस हैं, जिसकी एक झलक सोमवार को हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट परिसर में देखने को मिली। दरअसल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एसडीएम कोर्ट परिसर के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, प्राधिकरण ऑफिस और परिसर के अंदर अन्य जगहों पर छापेमारी के लिए पहुंच गए। छापेमारी के दौरान मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कमिश्नर दीपक रावत ने छोटी मोटी कई सारी खामियां देखी, जिसको ठीक करने के निर्देश उनके द्वारा एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए। कुछ कर्मचारियों की अनुपस्थिति होने पर उन्होंने कहा, ऑफिस में बायोमेट्रिक हाजिरी बहुत जरूरी है। कमिश्नर दीपक रावत ने एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस से लेकर प्राधिकरण के ऑफिसों के कामकाज को देखा, जिनसे वो पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। फिलहाल उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, यहाँ पर बेवजह कोई भी नहीं घूमना चाहिए। जिन लोगों का काम एसडीएम कोर्ट में पड़ता है, उन्हीं को आवाजाही का मौका मिलना चाहिए। एक तो एसडीएम का ऑफिस तो है ही, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑफिस भी है, प्राधिकरण का भी ये दफ्तर है, तो इसमें एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, समय समय पे ऑफिस को देखा जाए, लोग समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टाइम पे आने की तो पहली इशू है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऑफिस हैं आजकल, इनकी सिक्योरिटी को लेके भी मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर, कि क्या पे ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ सभी दफ्तरों में रहते हैं, उसको भी मैंने उसमें यहाँ पे कमी पाई है। और ऐसे भी दिन में कुछ कुछ इंटरवल्स आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑफिस में नहीं होता, जो कि ठीक नहीं है। तीसरा, जो कूड़े का निस्तारण ऑफिस का है, अंदर ही ऑफिस के अगर पड़ा हुआ, ये पब्लिक ऑफिस हैं, तो व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। चौथा, जब कोई छुट्टी के लिए आवेदन करता है, पहली बात तो बायोमेट्रिक होना चाहिए, बायोमेट्रिक का मुझे लगता है यहाँ पे है नहीं या ख़राब हो गया होगा, लेकिन अगर बायोमेट्रिक किसी वजह से ख़राब भी होता है, तो जिस भी डेट को कोई अगर छुट्टी की आवेदन करता है, तो जिस तारीख को अप्लाई कर रहा है, डेट तो आखिरकार डालेगा ना कि कब अप्लाई कर रहा है, प्लस जो उसने डाल दिए है वो कहीं उसका अंकन भी होगा, तो ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं है। तीन लोग मुझे ऐसे मिले जो थे नहीं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कोई भी यहाँ पे काम नहीं था, कोई वैलिड कारण भी नहीं बता पाए कि क्यों आए हुए हैं, तो ये भी एक्चुअली ठीक नहीं है। यहाँ पे अधिवक्ता गण है, किसी का अपना पर्सनल काम है, वो ठीक है, पर कोई बिना मतलब के ऑफिस में घूमे, ये भी एक इशू है। पार्किंग में ये बताया गया कि इनका पेमेंट नहीं हुआ है, बाहर जो थी पार्किंग को चला रही है एसएचजी, उन्होंने बताया पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें भी एसडीएम से कहा गया कि इनका पेमेंट जल्दी यहाँ पे करवाया जाए। बाकी फिर मैं अभी कोर्ट केसेस की फाइल्स यहाँ पे देख रहा हूँ, उसमें अभी तक जितने मैंने देखी है उसमें फाइल्स में ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं मिली, आगे भी अभी मैं इंस्पेक्ट करूंगा। कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक रावत अपने इसी अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं। सरकारी कामकाज में जरा सी ढील पर आईएएस दीपक रावत अफसरों को फटकारने में वक्त नहीं लगाते। उनके अचानक निरीक्षण से कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा रहता है। कुछ वैसा ही हड़कंप सोमवार को एसडीएम कोर्ट परिसर में देखने को मिला। फिलहाल उनके एक्शन और निरीक्षण से अफसरों की हवा टाइट रहती है। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।